अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है काश्तकारी और मैं हूँ अदनान अहमद राना। 1960 तक ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी। 100 ग्राम से आपको 61 कैलोरीज मिल जाती है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। इस वक्त शरह बीज कितनी होगी और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए फिर शरह बीज कितनी रखना? नहीं, शरह बीज तो यही काफी रहती है। बाहर के ममालिक में एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। हुआ भी है तो अभी फार्मर्स तक जो है उसको नहीं। फिश फार्मिंग करना चाहें तो वो किस हद तक इसमें रोल प्ले कर सकती है? हमारे मुल्क में तकरीबन 15,000 जो है ना फिश फार्म बने हुए हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ऑपोजिट है उसे हम कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कहा यह जाता है कि सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। इंसान अगर बीमार हो गया तो वो क्यों बीमार होता है? वो ये होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रिएक्ट कर रही होती हैं।